नमस्कार, आप देख रहे हैं ND94 न्यूज़। मेरे चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर बेल दबाएं। आज मैं आपको जमुना पार्क के दिल्ली के उस फ्लाईओवर के बारे में बताऊंगा जो एक बड़ी यहाँ की जनता को राहत मिलेगी। इस फ्लाईओवर का नाम है ईस्टर्न फेरिबल हाईवे। ये नोएडा, गीता कॉलोनी, अक्षरधाम, शास्त्री पार्क, खजूरी, करावल नगर होते हुए बड़ौद, बागपत, सहारनपुर तक में जाकर मिल जाएगा। इस पुल का जो कार्य है 2024 तक पूरा होगा। जब तक यहाँ की जनता खजूरी से लेकर शास्त्री पार्क तक जाम से जूझ रही है, यहाँ का ट्रैफिक रैंग रैंग के चलता है और यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम भी बड़ा ढीला है और लचीला है। मैं आपको बता दूँ कि खजूर से लेकर शास्त्री पार्क तक एक सर्विस रोड है जस्ट उसके बराबर में ही, और सारा ट्रैफिक मेन रोड पे पुल का काम चल रहा है इसलिए जाम रहता है और सारा ट्रैफिक सर्विस रोड से होता हुआ निकलता है। लेकिन सर्विस रोड पर अवैध कब्जा, यहाँ ऑटो वालों की बड़ी मार्केट है और गाड़ियों के शोरूम, ऐसा लगता है कि मेन रोड पर नहीं कि इस सर्विस रोड पर ही बना हुआ है। सर्विस रोड पर उस शोरूम की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। आप तो जानते हैं कि MCD और ये दिल्ली पुलिस का काम है यहाँ के ट्रैफिक को एक बड़ी राहत दिलाना, लेकिन लगता नहीं है MCD और दिल्ली पुलिस इस काम को संपूर्ण रूप से करेगी, क्योंकि कई सालों से इस सर्विस रोड पर अवैध कब्जा है। देखिए मेरी ये रिपोर्ट चौथे पिस्ते से। दोस्तों, आप सामने देख रहे होंगे बड़ी बड़ी क्रेनों को। यहाँ पर हाईवे का काम चल रहा है जो नोएडा, अक्षरधाम, गीता कॉलोनी होते हुए शास्त्री पार्क, खजूरी, करावल नगर, टोल टैक्स लोनी जाएगा। और यहाँ पे देखो किस तरह ट्रैफिक रैंकता हुआ चल रहा है। ये देखिए खजूरी चौक है, ये खजूरी चौक है, किस तरह का ट्रैफिक रैंकते हुए चल रहा है। और मैं आपको अपनी एक इस पे एक ट्रैफिक सिफाई भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये रहा ट्रैफिक का सिफाई, ये देखो अकेला ही है और गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये रहा ट्रैफिक सिफाई और गाड़ियाँ खड़ी हुई है, किसी भी तरह का मतलब उन्हें ट्रैफिक को हटाए ये कोई काम नहीं है। देखो सामने, ये देखो आगे चले गए। अब किस तरह जाम लगा हुआ है और कोई इसको जो एक तो पब्लिक वैसी जाम से जूझ रही है, देखो रैंकता हुआ जा रहा है सारा ट्रैफिक, वैसी जाम से जूझ रही है। और दूसरी तरफ ये ऑटो वालों ने, गाड़ियों ने लगा रखा है ये जाम। ये देखिए इस सर्विस रोड पर ऑटो वालों की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ ऑटो का ठीक होने का कार्य चलता है और लगभग जाम लगाते हैं। कुछ ऊपर तो फ्लाईओवर बन रहा है, मैंने आपको बताया। और ये देखिए सारा ट्रैफिक सर्विस रोड से आ रहा है, ये सर्विस रोड, और इतना ऊपर जाम रहता है कि पुलिस को गाड़ी को भी यहाँ से निकलना पड़ रहा है। और सर्विस रोड के बारे में बताऊँ, ये सीधा खजूरी से होता हुआ शास्त्री पार्क की ओर गया है नीचे नीचे सर्विस रोड, और यहाँ पे इतना जाम रहता है ऊपर और मजबूरन लोगों को निकलना पड़ रहा है। और मैं देखो कितनी सारी कितना ट्रैफिक जा रहा है, और मैं ये समस्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि अवैध पार्किंग बनी हुई है। देखिए किस तरह लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई है, और ये पार्किंग काफ़ी टाइम से बनी हुई है लेकिन अब एक समस्या बन गई है ऊपर फ्लाईओवर बनने के कारण, ये पार्किंग हटाई जाए नहीं तो 2024 तक ये कब तक ये पुल तैयार होगा जब तक ये समस्या बनी रहेगी, ये पुलिस MCD और पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। पुस्ता देखिए यहाँ भी ट्रैफिक खजूरी की तरफ से आता हुआ और यहाँ भी अवैध पार्किंग।
से देखिए कितनी लंबी दूर तक आपको पार्किंग करनी है। आप जानते हैं MCD और दिल्ली पुलिस के मिली भगत से इतनी बड़ी पार्किंग बन नहीं सकती दिल्ली में। ये सर्विस रोड पर किस तरह गाड़ियों की सेल की वजह से सेल हो रखी है देखिए, और इधर भी पार्किंग है। आप देखो ऊपर से भी ट्रैफिक जा रहा है और घुसता हुआ ट्रैफिक, और नीचे से भी ट्रैफिक जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर्विस रोड पर जाम की है। ये देखिए यहाँ लोगों ने अवैध पार्किंग बना रखी है। आपने देखा इस सर्विस रोड पर किस तरह पार्किंग बनी है और अवैध कब्जा है। देश और दुनिया को सलाम।